नमस्कार, मेरा नाम एमएस चौहान है। मैं आपको आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिमेट्री के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। सिमेट्री में भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है उसके एग्जांपल लेंगे, उसकी डेफिनेशन लेंगे। तो पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजनरी एक्सिस विच पासिस थ्रू मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर रोटेशन इट गिव इनडिस्टिंग्विशेबल कंपाउंड, देन इट इज नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब यह है कि किसी भी मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट में से आप एक्सिस पास करो और उस एक्सिस में 360 डिग्री बाय एन से रोटेट करो, अगर हम इनडिस्टिंग्विशेबल कंपाउंड पाते हैं तो हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 360 डिग्री बाय एन का मतलब यह है कि अगर एन की वैल्यू 2 ली जाए तो 360 बाय 2 यानी 180 डिग्री रोटेशन करेंगे, इसको बोलेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एन की वैल्यू 3 ली जाए मीन्स 120 डिग्री से रोटेशन करेंगे, इसको बोलेंगे C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या? इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब यह है जैसे कि इथीन, हमने इसमें एक्सिस डाल के ऐसे रोटेट किया कि इथीन ये बन गया, ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल है क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं और सेम ओरिएंटेशन है, तो हम कहेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल। दूसरा केस लेते हैं, ये इथीन है, हमने एक्सिस डाल के ऐसे रोटेट किया ये इथीन ऐसे बन गया, ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब उसी जगह पे वैसा का वैसा दिखना चाहिए, यानी आइडेंटिकल होना चाहिए, ओरिएंटेशन भी सेम होनी चाहिए। अब हम डिफरेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे लगा के देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है SOCl2। ये आपको SOCl2 की ज्योमेट्री दिख रही है, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है और ये दो क्लोरीन लगे। अब मैंने सल्फर और ऑक्सीजन से एक एक्सिस पास किया, यानी एस डबल बॉन्ड ओ से एक एक्सिस पास किया और उस एक्सिस को पकड़ के मैंने 180 डिग्री से घुमाया, तो देखो ये क्लोरीन ऊपर चला गया, ये क्लोरीन नीचे आ गया, तो वैसा का वैसा इनडिस्टिंग्विशेबल बन गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, ये BF3 है, बोरोन है, उसके साथ 3 F नजर आ रहे हैं 120 डिग्री पे। अब इसके अंदर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना चाहते हैं, तो बोरोन से एक एक्सिस पास करते हैं, यानी इस BF3 के परपेंडिकुलर एक्सिस पास करते हैं और इसको 120 डिग्री से घुमाते हैं। ये F इधर गया, ये वाला F इधर आया और ये F उधर गया, तो हम कहेंगे C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आप मुझे बता सकते हो क्या इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? हम F और बोरोन से एक एक्सिस पास करते हैं और उसको 180 डिग्री से घुमाते हैं, तो देखो B और F से जो एक्सिस पास हुआ तो बोरोन उसी जगह पे, F उसी जगह पे, लेकिन ये वाला F उधर चला गया, ये वाला F इधर चला गया, तो हम कहेंगे इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली इसमें दो और C2 है, वो सभी बोरोन F से पास होते हुए एक्सिस हो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, द फेमस मॉलिक्यूल बेंजीन। आपको ये बेंजीन नजर आ रहा है, बेंजीन के अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कैसे? बेंजीन के कार्बन कार्बन से एक एक्सिस पास किया और इसको मैंने 180 से घुमाया, तो देखो इनडिस्टिंग्विशेबल बन रहा है, तो ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब बेंजीन में C3 चेक करते हैं, ये जो बेंजीन नजर आ रहा है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने एक्सिस डाला और इसको 120 डिग्री से घुमाया, तो देखो ये कार्बन यहां आ रहा है, ये वाला कार्बन यहां जा रहा है, यानी इनडिस्टिंग्विशेबल बन रहा है। आपको इस वीडियो के चैट बॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना है कि बेंजीन के अंदर कितने C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं। मैंने आपको एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताया, रिमेनिंग बेंजीन में कितने C2 होते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इथीन। ये इथीन है, इसमें हम चेक करते हैं C2, तो मैंने इथीन के प्लेन में एक एक्सिस डाल दिया और उस एक्सिस को पकड़ के 180 से घुमाया, ये दोनों हाइड्रोजन इधर आ गए, ये दोनों हाइड्रोजन उधर गए, इनडिस्टिंग्विशेबल बन रहा है, यानी इथीन के अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सेकंड C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इथीन में देखते हैं, कार्बन कार्बन से एक एक्सिस पास करते हैं, इस कार्बन कार्बन से एक्सिस पास किया और इसको 180 से घुमाया, तो ये वाला हाइड्रोजन देखो ऊपर जा रहा है, ये वाला हाइड्रोजन नीचे आ रहा है, सेम वो दोनों हाइड्रोजन भी रिपीट हो रहा है,
तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इथीन में इथीन के परपेंडिकुलर एक्सिस डालें, इथीन के परपेंडिकुलर एक्सिस डालें और इसको अगर 180 से घुमाएं, इसके अंदर भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये देखो, ये हाइड्रोजन अपर जो था ये लोअर बन गया और ये जो अपर इधर था ये लोअर बन गया, यानी इथीन के अंदर 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बच्चों का जो जनरल डाउट होता है वो ये होता है कि डायगनली इसमें C2 है या नहीं, तो हम डायगनली चेक करते हैं। तो डायगनली हाइड्रोजन से ये एक्सिस पास किया हमने और इसको हमने 180 से घुमाया, देखो कैसा दिख रहा है ये, यानी ये पाई बॉन्ड पहले ऐसे या पाई बॉन्ड ऐसा हो गया ना, इसका मतलब ये इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, यानी ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इथीन में कितने C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुए, 3। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, सिस टू ब्यूटीन, ये ज्योमेट्री है सिस टू ब्यूटीन, इसे मैं C2 चेक कर रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस डाला और इसको 180 से घुमा दिया। ये देखो आपको शानदार एनिमेशन में नजर आ रहा है, ये वैलेंस इधर गई, ये वैलेंस इधर गई, यानी ये सिस टू ब्यूटीन में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब हम सिस की बात कर रहे हैं तो हम ट्रांस की भी करेंगे, तो ये है हमारा ट्रांस। ट्रांस के अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं, आप वीडियो पॉज करके एक बार सोचे जरूर कि ट्रांस में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं। ट्रांस में भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इस ट्रांस मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर आप एक्सिस डालो और इसको 180 से घुमा दो, तो देखो ये वैलेंसी यहां जा रही है, ये वैलेंसी यहां आ रही है, ये डायगनली वैलेंसी रिपीट हो रही है, हम कहेंगे ट्रांस में भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो लीनियर होते हैं, जो लीनियर मॉलिक्यूल होंगे उनमें होते हैं इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे BCl2 है, ये बी है, ये ClCl है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। कैसे, ये हमने एक्सिस डाला क्लोरीन और उस टर्मिनल क्लोरीन से पास होता हुआ एक्सिस है, अब इस एक्सिस के अक्रॉस अगर मैं 180 से रोटेट करूं तो भी ये बनेगा, 120 से करूं तो भी ये बनेगा, 90 डिग्री से करूं तो भी ये बनेगा। तो जो ये लीनियर मॉलिक्यूल है BCl2, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया से विजुलाइज किया होगा आपने इस पूरे एनिमेशन को। इसके बाद इसी एनिमेशन पे बेस्ड एक क्विज भी लाएंगे, आप एनिमेशन को देखें, इसको समझें, उसके बाद आप क्विज को ट्राई करें। तो क्विज को ट्राई करने के बाद कितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा क्लियर होगा। और हमारे दूसरे एनिमेशन भी आप YouTube चैनल पे देखते रहें, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। BDC वाला एनिमेशन है, अभी PK रैप वाला एनिमेशन है, अभी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर का भी एक एनिमेशन डला है, उसको भी आप देखें और उसके क्विज जरूर सॉल्व करें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।